देखिए साहब, मैंने 8 दिन पहले कहा था कि मैं 19 फरवरी के दिन मीरा रोड आऊंगा, पुलिस कमिश्नर साहब को मिलूंगा, एक निवेदन दूंगा। निवेदन ये कि भाई मीरा रोड में जो इतने बीजेपी के नेता बार बार से आए, भड़काऊ भाषण दिए, जिसका अंजाम आप हमने सबने देखा कि किस तरह से बेगुनाह बेकसूर कुछ मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया, तो हमने कहा मिलेंगे आपसे और हम आपसे दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इनको आने से रोका जाए और इनके ऊपर FIR किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जाने का मैंने बोला। तो अब आप देखिए, 2 दिन से मुझे लगातार मुसलसल नोटिस भेजे जा रहे हैं। कल मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से आया 149 का आया, मीरा भयंदर की तरफ से आया 149 का, आज सुबह में मुझे 144 का नोटिस दिया जा रहा है, मुझे 153 लगाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वहां पर, तो ऐसा लगा मुझे तो दहसर चेक नाके पे पहुंचते ही कि पूरा जैसा कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आ रहा है, पूरी तरह से पुलिस ही पुलिस खड़ी है। अब मेरे कुछ लोग थे वहां पे खड़े थे, मुझे कहा कि नहीं आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा पुलिस द्वारा। मैंने कहा क्यों, मैं इस देश का पक्का सच्चा शहरी हूं, मैं ex MLA हूं, मैं लॉयर हूं, मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन हूं, मैं क्यों नहीं मिल सकता जाके? जब भाजपा के नेता आके मिल सकते हैं, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, जिनके ऊपर केस भी नहीं होता, FIR भी नहीं होता, तो वारिस पठान क्यों नहीं आ सकता? क्या वारिस पठान को मीरा रोड किसी के बाप की जागीर है क्या? नहीं, मुझे नहीं जाने का। मुझे सीधा उठा के ले गए पुलिस स्टेशन दहिसर में जाके बिठा दिया। मेरे इतने सारे लोग वहां इंतजार कर रहे थे, मुझे मिलना था, जिनकी दुकानें टूट गई है, जल गई है, उनसे मैं मिलता, उनके दुख में शरीक होना था मुझे। मगर बीजेपी का जो असल चेहरा है सामने आ गया कि किस तरह से बीजेपी पूरी के पूरी एंटी मुस्लिम पार्टी है। उनके नेता जा सकते हैं, भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, भड़काऊ बयान दे सकते हैं, मगर वारिस पठान नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज उठाता हूं, उनकी तरफ से मैं लड़ता हूं ना, मुझे जाने नहीं दिया। तो हमने कहा कि ठीक है, उनको भी मत आने दो, अगर 25 तारीख को आए तो यकीन मानिए वारिस पठान फिर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा अधिकार मेरा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, उनको आने देंगे मिलेंगे और मैं नहीं जाऊंगा। तो बस यही, फिर उसके बाद में मुझे 3-4 गाड़ी में पुलिस वाले भर के मेरे को घर तक पहुंचा के आ गए। तो सर किस दिशा में देश जा रहा है? सर मैं चाहता हूं, मैं इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं, तो मीरा रोड क्यों नहीं जा सकता? मैं बाहर के आ सकते, मैं नहीं जा सकता। बस यही बात है, अभी बस छोड़ के गए सब मुझे।